दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे एनसीपी में दो फाड़ के बाद कांग्रेस पार्टी ने नेता विपक्ष के पद पर ठोक दिया दावा, चर्चा के लिए बुलाई बड़ी बैठक। तो उधर एनसीपी पर कब्जे की जंग, दोनों गुटों ने एक दूसरे को कर दिया बाहर। तो उधर कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा दावा, कहा शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की हुई है डील। तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। तो उधर बिहार की राजनीति में फिर से दोहराया जाने वाला है इतिहास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जताई जा रही बड़ी संभावना। तो उधर राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा जब मौसम ठंडा होगा तो किसान आंदोलन से फिर बढ़ेगा पारा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में अभी तक अजीत पवार नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे, लेकिन अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद नेता विपक्ष का पद खाली हो गया है। साथ ही एनसीपी में टूट के बाद अब कांग्रेस पार्टी राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को इस पद पर बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी खबर, अब एनसीपी पर कब्जे की जंग हो गई शुरू, दोनों गुटों ने एक दूसरे को कर दिया बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बगावत के बाद अब एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बागी अजीत पवार का साथ देने वाले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे समेत छह नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से बाहर कर दिया। तो वहीं प्रफुल्ल पटेल और अजीत गुट ने अपनी नई टीम बना। इस गुट ने शरद गुट के नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर सुनील तटकरे को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही पटेल और तटकरे के अलावा बागियों का साथ देने वाले शिवाजी राव गर्जे, विजय देशमुख, एस आर कोहली और नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर कर दिया। शरद गुट की कार्यवाही के बाद प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के फैसले पार्टी के निर्णय नहीं है, अजीत पवार एनसीपी के विधानमंडल दल के नेता रहेंगे। हम शरद पवार से आग्रह करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। प्रफुल्ल पटेल ने प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष पद से जयंत पाटिल को हटाने व तटकरे की नियुक्ति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तटकरे ही अब राज्य में हर नियुक्ति करेंगे, किसी भी विधायक को अयोग्य ठहराने का फैसला पार्टी या चुनाव आयोग नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ विधानसभा स्पीकर ही कर सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी और चुनाव चिन्ह घड़ी भी हमारे साथ हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो पार्टी के हित में है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की हुई है डील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब इस फूट को लेकर तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि उन्हें मिली सूचना के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया है। अजीत पवार के सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाने से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति बदल गई है। चौहान से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी दावा किया था कि शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी खो देंगे। 2 जुलाई को अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन का नेतृत्व करते हुए उप मुख्यमंत्री बन गए। इससे उनके चाचा शरद पवार को बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 24 साल पहले एनसीपी की स्थापना की थी। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 नेताओं ने भी एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि उन्हें मिली सूचना के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने मुंबई में खोल दिया एनसीपी का नया दफ्तर। 5 जुलाई को अलग अलग जगहों पर चार चार भतीजे ने बुलाई बड़ी बैठक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना सरकार में शामिल होने के एक दिन बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में मंत्रालय के पास एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन कर दिया। अजीत पवार ने पूरी एनसीपी का समर्थन अपने पक्ष में होने का दावा भी किया है। अजीत पवार ने राकापा के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले नए दफ्तर में तोड़फोड़ होने की भी खबरें सामने आई। उद्घाटन के दौरान अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी मौजूद थे। इसके अलावा उद्घाटन के बाद अजीत पवार आज कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए। शरद पवार ने मुंबई में 5 जुलाई को सभी सांसदों और विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है, तो वहीं अजीत पवार ने भी उसी दिन एक अन्य जगह पर बैठक बुलाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के विधायक या सांसदों का फैसला क्या होगा। अगली बड़ी खबर, प्रफुल्ल पटेल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले एनसीपी के 51 विधायक बीजेपी के साथ मिलकर बनाना चाहते थे सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी फिलहाल राजनीति के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भतीजे अजीत पवार और करीबी नेताओं की बगावत के बाद शरद पवार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एनसीपी के बड़े नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के खेमे के साथ हैं, जिन्हें शरद पवार ने अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने इसी बीच अब एक बड़ा दावा भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल जब एनडीए सरकार गिर रही थी तब पार्टी के 54 विधायकों में से 51 विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना के टूटने के चलते महाराष्ट्र में बने हालात का जिक्र किया और कहा कि तब हमारे पास एक बड़ा मौका था, लेकिन एनसीपी नेतृत्व सही वक्त पर फैसला नहीं ले पाया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने मौके को बनाया और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली। टीओआई के साथ दिए गए इंटरव्यू के दौरान प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि एनसीपी विधायकों के अलावा पार्टी के तमाम नेता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि वो सरकार का हिस्सा बने। पटेल ने कहा कि कई विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बजट और वित्तीय मदद के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार में शामिल हो गए हैं, अब सरकार के साथ मिलकर एनसीपी जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को हल करने का काम करेगी। प्रफुल्ल पटेल ने कैबिनेट विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 1 से 2 दिन में पोर्टफोलियो के बंटवारे का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद शिवसेना बीजेपी और एनसीपी के और भी विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम पहले से ही चार्जशीट में है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब लालू यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी तब नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीबीआई द्वारा नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में पूरा कार्यपत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका संबंध विपक्षी एकता बैठक से नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट बहुत पहले ही दाखिल हो चुकी है। सारे दस्तावेज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उपलब्ध कराए थे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में फिर से दोहराया जा सकता है इतिहास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जताई जा रही बड़ी संभावना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कल तक भतीजे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात करने वाले नीतीश कुमार के सामने अब एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में फंसने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराएंगे? क्या तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे? क्या तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाएगा? 2017 में महागठबंधन की सरकार थी, तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उस समय रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार के यहाँ पर जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही थी। तेजस्वी यादव का भी नाम इस घोटाले में आया था। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सफाई देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी थी।
इसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दिया था। इसके बाद बिहार में महागठबंधन सरकार चली गई थी, अब फिर से वही परिस्थिति बनती दिख रही है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आरोप पत्र के तौर पर शामिल है। इसको लेकर अब राज्य रेवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी यादव के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, जब मौसम ठंडा होगा तो किसान आंदोलन से फिर बढ़ेगा पारा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ते नजर आ रहे हैं। बीमा क्लेम व मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत सिरसा जिले में पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन किया जाएगा, जब मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा। महापंचायत में बोलते हुए राकेश टिकैत ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं वो किसानों को बीमा क्लेम देने के लिए नहीं है, बल्कि कंपनियों के मालिकों के घर भरने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। MSP का नाम लेकर किसानों को ठगा गया है। उन्होंने सरकार से सभी जगहों पर MSP लागू करने की मांग की, जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा में BJP विधायकों ने जमकर मचाया हंगामा, वेल में पहुंचे कांग्रेसी नेता, स्पीकर ने सदन कर दिया स्थगित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की बैठक में भाजपा के विधायकों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर UT खादर को सदन स्थगित करना पड़ा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और भाजपा नेता बसवराज बोम्बई के बीच बहस के साथ शुरू हुआ। भाजपा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनाव के दौरान किए गए 5 वादों को पूरा करने में देरी करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं किया। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोई ताजा मांग नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने 5 वादों को पूरा करे। अगर अगले हफ्ते के भीतर कांग्रेस की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो हम राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। सत्र के दौरान जब स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक शिवालिंगे गोंडा से सवाल करने को कहा तो भाजपा नेता बसवराज बम्बई के साथ अन्य विधायक खड़े होकर प्रश्नकाल को निलंबित करने की मांग करने लगे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए वादों पर चर्चा करने के लिए समय देने की मांग की। भाजपा विधायकों की इस मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार ने आपत्ति जताई। उन्होंने भाजपा से प्रश्नकाल खत्म होने का इंतजार करने को कहा। तो इस बीच कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भाजपा की मांग पर आपत्ति जताते हुए सदन की वेल में आ गए। स्पीकर ने हंगामे को शांत करने के लिए सदन को स्थगित कर दिया। अगली बड़ी खबर, मोदी के कैबिनेट विस्तार को लेकर ब्लूप्रिंट हुआ तैयार, चुनावी राज्यों पर फोकस और कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बदलावों की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कई और मंत्रियों का नाम जुड़ सकता है। कैबिनेट विस्तार की तैयारियों को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है। कहा जा रहा है कि PM मोदी ने कैबिनेट एक्सपेंशन की तैयारियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। इस बदलाव में कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, तो वहीं कैबिनेट में कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कई मंत्रियों को पिंक स्लिप पकड़ा दी है और कई नए सहयोगियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात के 3 मंत्री डेंजर जोन में आ चुके हैं। मोदी सरकार में फिलहाल 75 मंत्री हैं और विस्तार के बाद मोदी समेत कुल 81 मंत्री हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर लिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट। 3 बड़े नेता लगातार करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की एक मैराथन बैठक चली। इसमें विस्तृत चर्चा हुई। इसमें खासतौर पर चुनावी आगाज की कड़ी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रदेश भर में होने वाली
चुनावी सभाओं पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही हैं। राहुल गांधी की सभाएं अगस्त से प्रदेश भर में लगातार आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोकस 101 आदिवासी अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या वाली सीटों पर होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाओं के जरिए इन जिलों को कवर किया जाएगा। कर्नाटक पैटर्न पर जनता के बीच में ग्राउंड जीरो तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के 18 साल के भ्रष्टाचार को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसमें खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर पार्टी का जोर होगा। ये बैठक इसलिए भी खास थी कि इसमें कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के मैसेज को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कंफर्ट मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसीलिए सभी चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। कांग्रेस पार्टी के तीनों बड़े नेताओं की सभाएं जिला और तहसील स्तर पर कराए जाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की लगातार रैलियां और आम सभाएं की जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।